हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी मेंस स्टैटिक्स के सिलेबस की। जिन लोगों ने यूपीएससी मेंस में स्टैटिक्स ऑप्शनल के रूप में चुना है, उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। इसमें पेपर वन और पेपर टू के सिलेबस की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप इसका ऑफिशियल पीडीएफ jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा इंडियन पॉलिटी पे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशल फ्री क्लास चलाई जा रही है। ये क्लासेस जो है पूरी तरह से फ्री हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2020-21 के एस्पिरेंट हैं, तो आपको ये सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि आतिश माथुर द्वारा चलाई जा रही है। ये सीरीज जो है इंडियन पॉलिटी पे होगी और ये पूरी तरह से फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके कंटेंट की बात करें, आप यहां पर देख सकते हैं बेसिक फीचर्स, प्रीएम्बल और टेरिटरी तथा सिटीजनशिप का पहला लेक्चर है। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में बताया गया है। आप ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से फ्री हैं। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इसमें आपसे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिकल इंटरफेरेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लीनियर इंटरफेरेंस तथा मल्टीवेरिएट एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सैम्पलिंग थ्योरी और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की, तो इसमें इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स से क्वेश्चन होंगे, ऑप्टिमाइज टेक्निक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक जो आपका है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स तथा ऑफिशियल स्टैटिक्स है। और लास्ट टॉपिक आपका डेमोग्राफी और साइकोमेट्री है। अगर आप इसका डिटेल में सिलेबस जानना चाहते हैं, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।